सो गाइस आज के इस वीडियो पे सीखेंगे आप किस प्रकार से रेल टिकट को कैंसिल कर सकते हो। सो गाइस अगर आपने IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन से अगर आपने ऑनलाइन रेल टिकट को बुक किया तो आप बहुत आसान तरीके से आप अपना मोबाइल फोन से वो टिकट को आप कैंसिल कर सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो पे सीखेंगे किस प्रकार से आप अपना रेल टिकट को कैसे कैंसिल कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस पहले मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर आ गए हो तो चलिए सिंपल IRCTC एप्लीकेशन मैं ऐसे ओपन कर लेता हूं। देखिए जैसे कि मैंने IRCTC मोबाइल एप्लीकेशन ओपन कर लिया हो तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं आप मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भी आप कैंसिल कर सकते हो। आप चाहो तो सिंपल क्रोम ब्राउजर पे भी जाके आप कैंसिल कर सकते हो, लेकिन आपको यूजर आईडी और पासवर्ड आप लोगों को पता होना जरूरी है, नहीं तो आप कैंसिल नहीं कर पाओगे। IRCTC का यूजर आईडी और पासवर्ड आपने जब क्रिएट किया था फर्स्ट टाइम तभी क्या रखा था आपको याद रखना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो आप लॉग इन नहीं कर पाओगे। चलिए आप लोगों को याद जरूर होगा तो चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे अपने एप्लीकेशन को लॉग इन कर लोगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। आप क्या है कीजिए सिंपल देखिए पे माई ट्रांजेक्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे कि आपने माई ट्रांजेक्शन पे क्लिक करोगे सिंपल आप क्या है कीजिए यहाँ पे माई बुकिंग पे क्लिक कर दीजिए। जैसे कि आपने माई बुकिंग पे क्लिक करोगे तो आपने जो टिकट बुक किया देखिए अपकमिंग में पे टिकट देखने को मिलेगा। तो आपको टिकट को किस प्रकार से कैंसिल करना है सिंपल आप टिकट को एक बार क्लिक कर दीजिए। जैसे कि आपने एक बार टिकट को ऊपर क्लिक करोगे आपका सामने इस प्रकार से आएगा आपका पैसेंजर का नेम वगैरह सब कुछ आएगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँ देखिए मेरे पे दो पैसेंजर है, अगर आपने एक पैसेंजर का टिकट कैंसिल करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, और आप चाहो तो दो पैसेंजर मेरे पे तो दो का मैं टिकट को कैंसिल कर सकता हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ तत्काल टिकट, आपने तत्काल टिकट बुक कर लिया आपका टिकट कन्फर्म हो गया तो टिकट यानी कि कैंसिल नहीं होगा। अगर आपने रिजर्वेशन टिकट बुक किया अपने IRCTC कर लिया तो आप वो टिकट को कैंसिल कर सकते हो। कैंसिल करने के लिए सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा सिंपल आप ऊपर राइट साइड कोने पे 3 डॉट पे क्लिक कीजिए। जैसे कि आपने 3 डॉट पे क्लिक करोगे सिंपल देखिए लिखा है कैंसिल टिकट, आप कैंसिल टिकट पे क्लिक कर दीजिए। अपने कैंसिल टिकट पे क्लिक करोगे आप लोग का ऑप्शन आएगा कि आप कौन सा टिकट को कैंसिल करना चाहते हो। देखिए मैं सिंगल टिकट को कैंसिल करना चाहूँगा तो मैं ये वाला टिक मार दूंगा। अगर मुझे दो ही टिकट को कैंसिल करना है सिविल इस पर भी टिक लगा सकता हूँ। और देखिए आप चाहो तो सिम देखिए सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके आप सारा का सारा टिकट आप कैंसिल कर सकते हो। अपने सभी टिकट को कैंसिल करना चाहते हो तो जो टिकट अपने कैंसिल करना चाहते हो वही टिकट को ऊपर क्लिक कर दीजिए। एक नाम कैंसिल करना चाहते हो तो उसी के ऊपर टिक कर दीजिए, अदरवाइज सब कैंसिल करना चाहते हो सिलेक्ट ऑल पे कर दीजिए, उसके बाद सिंपल कैंसिल बटन पे क्लिक कर दीजिए। देखिए जैसे कि कैंसिल बटन पे क्लिक करूँगा सिंपल कंफर्म करना, देखिए कंफर्म कैंसिल तो सिंपल कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। अब देख सकते हो टिकट कैंसिल होंगे आप लोगों के सामने लाइव प्रूफ ने टिकट को कैंसिल करके दिखा दिया हो। आप बोलोगे कि पेमेंट कैसे मिलेगा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आपने जिस भी पेमेंट मेथड से पेमेंट किया था फोन पे हो चाहे पेटीएम हो चाहे नेट बैंकिंग के थ्रू डेबिट कार्ड के थ्रू आपने जिस प्रकार से पेमेंट को किया था आपका वही पेमेंट मेथड पे फिर आप लोगों को यानी कि 7 दिनों के अंदर आप लोगों को पैसा रिटर्न आ जाएगा। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, कुछ चार्ज कटेगा लेकिन आप लोगों का पैसा आपका अकाउंट पर आ जाएगा। आपका पैसा रिफंड है तो भी आप चेक कर सकते हो। चलिए मैं बैक कर देता हूँ, जैसे कि बैक करूँगा सिमेंट चले मैं माई ट्रांजेक्शन पे फिर से दोबारा क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद देख सकते लिखा है टिकट रिफंड हिस्टोरी, आपका जो टिकट का पैसा रिफंड मिलेगा टिकट रिफंड हिस्ट्री पे आप जाओगे तो आप लोगों को पता चलेगा। देख सकते मैंने एक टिकट को कैंसिल किया था काफ़ी दिन पहले तो टिकट का पैसा रिफंड हो गया था, देखिए तो ये भी मुझे पे डिटेल देखने को मिल गया। तो आप इस प्रकार से आप अपना रेल टिकट को कैंसिल कर सकते हो और कैंसिल हिस्ट्री भी आप देख सकते हैं रिफंड हिस्ट्री, देखिए टिकट रिफंड हिस्ट्री पे जाके आप देख सकते हो मैंने अभी जो टिकट कैंसिल किया हो उसका पैसा अभी भी रिफंड नहीं हुआ, जब रिफंड हो जाएगा तो मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आप IRCTC का रेल टिकट को कैसे कैंसिल कर सकते हो। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू हो तो सिंपल नीचे दिया और एक बटन को दबा के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पे, तब तक के लिए अच्छा रहिए, अपना ख्याल रखिए, ओके बाय बाय।